प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज थी बे दिवस गुजरात प्रवासे। आज एकतानगर में 280 करोड़ रूपयाथी वधुनी विकास परियोजनाओं करशे लोकार्पण अने खातमुहूर्त। एकतानगर खाते सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ट्राफिक सर्कल, स्मार्ट बस स्टॉपनुं पण करशे लोकार्पण। राज्यना प्राथमिक शाळाना विद्यासहायकोने सरकारे आपी दिवाळीनी भेट। प्राथमिक शाळाओमां 1 नवेम्बरथी 13,800 जग्या माटे शिक्षकोनी कराशे भरती। हाल कार्यरत शिक्षको माटे जिल्ला फेरबदलीनुं पण आयोजन। सोमनाथ अने सासणगीरनो प्रवास करता मुसाफरो माटे सारा समाचार। उड़ान योजना अंतर्गत अमदावाद केशोद वच्चे विमानी सेवानो थयो प्रारंभ। आ सेवा मंगळवार, गुरुवार अने शनिवारे रहेशे कार्यरत। खेड़ा नेशनल हाईवे नंबर 48 पर ट्रेलर डिवाइडर साथे अथड़ाता सर्जायो गमखवार अकस्मात। केबिन में भीषण आग लागता थयो ड्राइवर नु मौत। नडियाद फायर ब्रिगेड नी टीम घटना स्थले पहुंची। झारखंड विधानसभा नी प्रथम तबक्का नी चूंटणी माटे उम्मेदवारी पत्र पाछा खेंचवानो आजे छेल्लो दिवस। महाराष्ट्र में उम्मेदवारोना फॉर्म नी थशे चकासणी। तो वाव बैठक नी पेटा चूंटणी माटेना उम्मेदवारोनुं चित्र आजे थशे स्पष्ट। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आजथी बे दिवसना अरुणाचल प्रदेशना प्रवासे। तवांगमां सशस्त्र दळना जवानो साथे करशे मुलाकात। अयोध्यामां 500 वर्ष बाद रामलल्लाना स्वागतमां योजाशे भव्य दीपोत्सव। 28 लाख दीवाओनी रोशनीथी जगमगशे 55 ઘાટ। રામલલ્લાની પ્રતિષ્ઠા બાદ અયોધ્યામાં આ પહેલી દિવાળી। અને કારોબારી સત્રના દિવસે ભારતીય શેરબજાર ઘટાડા સાથે ખુલ્યું। સેન્સેક્સ 300 પોઈન્ટ તો નિફ્ટી 24,400 નીચે ખુલ્યો। આઈટી, મેટલ, ફાર્મા, રિયાલિટી, હેલ્થકેરના શેરો ઘટ્યા તો મારુતિ સુઝુકી, બજાજ ઓટો, કોલ ઇન્ડિયા જેવા શેરના ભાવ વધ્યા।